नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आप लोग की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग मुझे ईमेल करते हैं और बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझे कि नारियल घर में कैसे लगाए, तो मैं आज आपको वही बताऊँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये नारियल रखे, ऐसे मैंने बहुत सारे लगाए हैं, तो आपको बताऊँगा बहुत ही आसान ट्रिक किस तरह से लगाना है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बैल है उसे भी दबाएँ, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नारियल है और नारियल के बारे में कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कल्प वृक्ष है और हम सभी जानते हैं कि अगर एक आपके पास नारियल का पेड़ हो तो आप उससे खाने से लेके रहने तक हर चीज़ बना सकते हैं, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, खाने से लेके हर चीज़, यानी कि अगर इसका पानी अगर आप पीते हैं एवरी डे, अगर एक नारियल का पानी आप पीते हैं तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। यकीन मानिए, बीमार पड़ेंगे ही नहीं। तो ज़रूर नारियल का पानी अगर आपको मिले, मौका मिले तो ज़रूर पीजिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे किस तरह से घर में लगाना है। तो चलिए सबसे पहले हम नारियल के बारे में थोड़ा जो है मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का नारियल लेना है। तो ये देखिए नारियल, सिंपल सा नारियल आपको चाहिए, लेकिन नारियल में पानी बहुत होना चाहिए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। जैसे हिला के देख लें कि खूब पानी भरा हो तभी वो नारियल को आप लें। और उसके बाद देखिए, बहुत ही आसान तरीका है लगाने नारियल के पेड़ में, आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसको आप खाली कोई भी पानी, जैसे अब मेरे पास तो ये बड़ी सी ये है, जैसे कि देख रहे हैं ये लगा हुआ है, तो ये नारियल को आप इसमें डाल दीजिए 24 घंटे के लिए, छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इसको इस तरह से करते हैं तो देखिए, मैंने आपको पानी में किस तरह से मैंने बिना छिलके वाले भी जो है वो पैदा किए हैं और छिलके वाले भी पैदा किए हैं, तो मैं सब आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ आप भी पैदा कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए, मैंने बहुत सारे नारियल लगाए, मैंने आपको पहले ही बोला था। ये देखिए छिलके में किस तरह से ये निकल आया, बड़ा क्यूट सा, देखिए सुंदर सा। तो इसको मैंने इसी में डाल दिया है। तो इसको रखना कैसे जिससे ये पैदा हो, मैं आगे आपको बताऊँगा। अगर आप चाहें तो बिना छिलके के भी यूज़ कर सकते, तो बिना छिलके के भी आप जो है इसमें 24 घंटा कम से कम डाल दीजिए इस तरह से। और फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है रखने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिना छिलके का है, तो इस तरह से आप बिना छिलके का भी आप इस्तेमाल करके जो है पौधा पैदा कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा ये बहुत शानदार जड़, आप जैसे कि देख रहे हैं कितने सुंदर आई हुई है, वाओ, बहुत सारी जड़ है। आप चाहे तो इसको पेंट करके इसको जो है बोनसाई भी बना सकते हैं, और घर के अंदर में शोरूम में भी आप इसको जो शो की तरह जो है आप शोपीस की तरह इसको रख सकते हैं। तो उसमें खाली आपको पेंट वेंट करना पड़ेगा और पौधा ऐसे ही रहेगा, तो वो भी कर सकते हैं, और लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं। तो मैं इसको ज़मीन में लगा के आपको दिखाऊंगा, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको जो अगला जो स्टेप है, जैसे कि आप जैसे मान लीजिए कि ये जो हो गया है 24 घंटा, तो अब क्या करना है आइए। तो इस तरह से कोई भी पानी भरा हुआ आप ले लीजिए, चाहे आप लोटा ले लीजिए, चाहे आप गमला ले लीजिए, चाहे मग ले लीजिए, इस तरह के पानी में आप जो 24 घंटे बाद इसको रख दें। ऐसे नहीं रखना है आपको, याद रखें, नहीं तो लगेगा ही नहीं। आपको ऐसे रखना है, ये हिस्सा जो ऊपर की तरफ होना चाहिए क्योंकि इसकी आँख ऊपर ही रहेगी। तो इस तरह से आप इसको रख दीजिए और छोड़ दीजिए, कम से कम जो है इसको एक महीने तक के ऐसे रहने दीजिए। पानी डालते रहिएगा दोस्तों, इसका पानी नहीं जाना चाहिए, नीचे पानी भरते रहिएगा। और देखिए यहाँ से निकल जाएगा। अब आप बिना छिलके के भी आप ऐसे ही रखना है आपको, अगर इसका छिलका नहीं है तो आप बिना छिलके के भी ऐसे ही रख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो बिना छिलके का आप कैसे रखें, इस तरह से आप रख सकते हैं बिना छिलके का, तो ये ऐसे ही रहेगा, तो अपने आप बढ़ता जाएगा। और ये बहुत जल्दी बढ़ता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, शुरू में ही एक महीने लगेगा, उसके बाद तो हर सप्ताह बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये देखिए, जिस तरह से आप देख रहे होंगे, तो इस तरह से जो है आप रख सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया, आप शुरू में चाहे तो इस तरह से छोटे से जो है मटके में भी रख सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं। तो ये अपने आप बढ़ने लगे, कुछ नहीं करना है। अब जैसे कि आपके पास
बिना छिलके वाला, और छिलके वाला कैसे भी हो उसको ऐसे ही रख दें। पानी डालते रहिएगा दोस्तों, इसका पानी नीचे का लेवल होना चाहिए और ऐसे रखना है, देखिए ये और नीचे रखना है इस तरह से। तो इस तरह से आप आसानी से लगा सकते हैं। तो अभी तो मैं इसको गमले में लगाऊंगा, आगे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये गमला और गमले की मिट्टी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये मिट्टी, तो ये मैंने 50% जो है गार्डन सॉइल ली है, गार्डन की मिट्टी ली हुई है 50%, और 50% मैंने जो है कंपोज लिया हुआ है। अगर आपके पास कंपोज नहीं है तो आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या डाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं ये DAP है, दिखा देता हूँ, ये देखिए ये DAP है, बस इतना ही, 7 से 8 दाना मैंने इसमें डाल के रखा हुआ था। तो 3 दिन हो चुके हैं, ये DAP मैं डाल चुका हूँ, अभी नहीं डालूंगा। इसके अलावा ये देखिए नीम खली है, तो इसको मैंने 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला था नीम खली, तो ये भी 3 दिन पहले ही डाला था और मिला के रख दिया हूँ मैं। और इसमें खाने का चूना, एक चूने के मतलब एक चना होता है उसके बराबर, तो मिक्स करके मेरी मिट्टी तैयार है। ये देख लीजिए आप, 3 दिन हो चुके हैं, अब मैं इसमें पौधा लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या प्रोसेस है आगे बताता हूँ। दोस्तों ये गमला और गमले में देखिए ये होल देख रहे होंगे आप, ये जरूर आप होल कीजिए आप, नहीं तो पानी बाहर नहीं निकलेगा और आपका पौधा सड़ जाएगा। तो इस तरह से होल कर लीजिए, और गमले का टुकड़ा हो या फिर इस तरह के पत्थरें हो इसको इसके ऊपर रख दीजिए, देखिए इस तरह से। अब इसमें हम मिट्टी डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, अब हम अपना पौधा चेक करेंगे इसमें। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे कि आप नारियल देख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से गमले की मिट्टी तैयार करते हैं उस तरह से करें। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी नारियल का पौधा लगाए तो उसमें 40% रेत, बजरी जिसको बोलते हैं, उसको डालें तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो ये देख लीजिए अभी हम लगाएंगे, तो मेरी मिट्टी तैयार है, देख लीजिए बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। अब इसमें हम चारों तरफ मिट्टी डाल देंगे इस तरह से। दोस्तों इसके आप बोनसाई भी बना सकते हैं, तो इसमें आपको समय समय पर ट्रिमिंग करना पड़ेगा, बस इस बात का ध्यान रखें इसकी जड़ ज़्यादा बड़ी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे, जब भी इस तरह का काम करें तो पानी अवश्य डालें। तो दोस्तों किस तरह से नारियल का पेड़ लगाना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।